गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। आज हम अपने लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है थियोरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी, उसके बारे में करेंगे। राइट, तो देखते हैं कि डिमांड फॉर मनी का मीनिंग क्या है। ठीक है, मनी का मीनिंग मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि मनी क्या है, जो भी हम यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी इज़ अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मच ऑफ अ वेल्थ इंडिविजुअल विश टू होल्ड। ठीक है, कि डिमांड ऑफ मनी क्या है कि क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल कितनी वेल्थ अपने पास होल्ड करके रखना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, इंडिविजुअल मस्ट डिसाइड हाउ टू एलोकेट देयर वेल्थ बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट। ठीक है, ये इंडिविजुअल को डिसाइड करना है कि उन्होंने अपनी जो वेल्थ है उसको कैसे एलोकेट करना है डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट में, जैसे कि हाउस में, इनकम अर्निंग सिक्योरिटी में, चेकिंग अकाउंट एंड कैश। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द डिमांड फॉर मनी इज डिमांड फॉर द एक्चुअल सर्विसेज यील्डेड बाय द पोजेशन ऑफ अ रियल स्टॉक। ठीक है, डिमांड फॉर मनी का मीन्स क्या है कि डिमांड जो है एक्चुअल सर्विसेज की जो यील्ड करी है उनके पोजेशन के लिए रियल स्टॉक के लिए, एंड नॉट सिंपली अ डिमांड फॉर नॉमिनल इंटरेस्ट। राइट, तो इसमें थियोरीज दी हुई हैं, थियोरीज ऑफ मनी डिमांड की। ठीक है जी, फर्स्ट थियोरी है क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, जो मैंने आपको उस दिन करा दी थी। ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ। ठीक है, क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी इज अ क्लासिकल थियोरी, ठीक है, दैट रिलेटेड द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकॉनमी टू नॉमिनल इनकम। ठीक है, जो किसके साथ अमाउंट ऑफ मनी जो है इकॉनमी में किसके साथ रिलेटेड, नॉमिनल इनकम के साथ। तो ये थ्योरी क्या स्टेट करती थी, चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी टेंड टू अफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनवर्सली। ठीक है, क्वांटिटी मनी में चेंज आने पर जो परचेजिंग पावर है पर इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज विद इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी ईच मोनेटरी यूनिट टेंड्स टू बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपकी मनी क्वांटिटी जो इंक्रीज हो रही है तो हर एक मोनेटरी यूनिट्स क्या है, स्मॉलर क्वांटिटी जो गुड्स एंड सर्विसेज की बाय करेगा। और अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में डिक्रीज हो जाएगा तो उससे इफेक्ट होगा, तो उससे क्या मोनेटरी यूनिट्स क्या है बाय करेगा ज़्यादा क्वांटिटी की गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, तो ये मैंने आपको थ्योरी कराती थी, इसलिए आप इसको उस लेक्चर्स में देख लेना, तो इसमें ऐड कर लेना। राइट, तो नेक्स्ट है सेकंड जो है वो है केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी, जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोल देते हैं। इन 1936 इकोनॉमिस्ट जॉन एम केन्स रोड हिज इन्फ्लुएंशियल बुक, उसने रोड की थी जिसको जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट रेट और मनी में। तो इस बुक में क्या था, ही डिवेल्प हिज थियोरी ऑफ मनी डिमांड नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। ठीक है, उसने इस बुक में जो है वो डिवेल्प की थी थ्योरी जिसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोल देते हैं, विच इज़ थियोरी ऑफ मनी डिमांड दैट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये थियोरी ऑफ मनी डिमांड है जिसका मेन एम्फसाइज मेन फोकस जो है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर है। जो केन्जियन ने उसने जो क्लासिकल व्यू पॉइंट था वेलोसिटी वाला, उसको जो कांस्टेंट माना गया उसमें, उसने ये व्यू जो है वो रिजेक्ट किया। इस थ्योरी में क्या है कि केन्जियन बिलीव दैट देयर आर थ्री मोटिव्स। ठीक है, केन्जियन का बिलीव क्या है कि तीन मोटिव्स होते हैं फॉर इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल के लिए तीन मोटिव हैं कि उसने होल्ड करके रखनी है मनी। ठीक है, फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड प्रिकॉशनरी मोटिव एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। राइट, तो ट्रांजैक्शन मोटिव में क्या है, केन्जियन ने ये एग्री करता है क्लासिकल थ्योरी के लिए कि मनी जो है वो किस चीज़ के लिए यूज की जाती है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडिया एक्सचेंज के मीडियम के लिए मनी यूज़ की जाती है। पीपल डिमांड फॉर मनी इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि ट्रांजैक्शन के पर्पस के लिए पीपल जो है डिमांड करते हैं मनी की, एंड एज इनकम राइजेस। ठीक है, जब इनकम राइज होती है तो पीपल जो है उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो विल होल्ड मोर मनी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीकॉशनरी मोटिव। प्रीकॉशनरी मोटिव में क्या कह रहे हैं, ठीक है, करंट ट्रांजैक्शन को देखते केन्जियन ने ऑब्जर्व्ड क्या किया कि पीपल जो है वो मनी क्यों होल्ड करके रखते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि वो अगर कोई फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड नीड आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए तब वहाँ उसको यूज़ करें। तो अमाउंट ऑफ मनी जो हेल्ड जो वो अमाउंट ऑफ मनी है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो पीपल एक्सपेक्ट टू मेक करते हैं। ठीक है, मनी डिमांड इज अगेन एक्सपेक्टेड टू राइज विद इनकम। राइट, लास्ट इज द स्पेकुलेटिव मोटिव। केन्जियन सजेस्ट दैट पीपल ऑल्सो होल्ड मनी एज अ स्टोर ऑफ वेल्थ, अपनी वेल्थ को स्टोर करने के लिए भी पीपल जो है वो मनी को होल्ड करके रखते हैं, बिकॉज वेल्थ इज टाइड क्लोजली टू इनकम। विद द स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर मनी डिमांड इज रिलेटेड टू इनकम। ठीक है, तो केन्जियन ज्यूम दैट पीपल स्टोर वेल्थ विद आइदर मनी और बॉन्ड्स। ठीक है, स्टोर करके रखते हैं वेल्थ को मनी की फॉर्म में और बॉन्ड्स की फॉर्म में। राइट, तो जब इंटरेस्ट रेट जो होता है वो हाई होता है तो रेट वुड बी एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई होता है तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि रेट जो है वो फॉल हो जाएगा, और बॉन्ड प्राइसेस जो भी है, बॉन्ड्स का प्राइसेस जो है वो क्या होगा, राइज हो जाएगा। ठीक है, तो
इस केस में बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं देन मनी अगर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हाई हो, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो लो होंगे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो रेट है वो फ्यूचर में क्या है वो लो राइज होंगे और जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या होगा एक्सपेक्ट किया जाएगा वो उसमें फॉल आ जाएंगे। सो मनी इज, ठीक है, जो अगर इंटरेस्ट रेट जो है लो है तब मनी जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है। सो अंडर द स्पेकुलेटिव मोटिव मनी डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। स्पेकुलेटिव मोटिव में मनी डिमांड जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करती है। अगर तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो प्राइस जो है जो रेट हैं वो फॉल होंगे और बॉन्ड प्राइसेस जो इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है बॉन्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और अगर लो प्राइस है सॉरी लो इंटरेस्ट रेट है तो जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड प्राइस जो है वो लो होगा, तो उस केस में लो इंटरेस्ट रेट में जो है वो मनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, राइट। थर्ड वन इज फ्राइडमैन मॉडर्न क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, ठीक है। मिल्टन फ्राइडमैन, ठीक है, अदर नोबेल प्राइज विनर है जिन्होंने डिमांड फॉर मनी की जो थियोरी है उसको डेवलप किया। उन्होंने क्या कहा कि जो एमडी है जो मनी डिमांड है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है सेम फैक्टर्स डायरेक्ट इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर एनी एसेट, ठीक है। डिमांड फॉर मनी, ठीक है, क्या है कि सेम फैक्टर्स से इफेक्ट होती है जैसे डिमांड फॉर किसी भी और एसेट के लिए इफेक्ट होते हैं। तो ही देन अप्लाई द थियोरी ऑफ एसेट डिमांड टू मनी, ठीक है, उसने एसेट डिमांड टू मनी की थियोरी अप्लाई की। तो द थियोरी ऑफ एसेट डिमांड में क्या है कि डिमांड जो है मनी की वो किस चीज़ का फंक्शन है, रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं इंडिविजुअल्स को और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है ऑन अदर एसेट, ठीक है जी, टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मनी, ठीक है, क्या है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं। तो फ्राइडमैन डिमांड फंक्शन, ठीक है, तो ये है हमारा फ्राइड, ठीक है। फ्राइडमैन ने क्या किया है कि एसेट थ्योरी ऑफ एसेट डिमांड को अप्लाई किया है। थ्योरी ऑफ एसेट डिमांड जो है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, दो चीज़ों का फंक्शन होती है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है दूसरी एसेट पर, ठीक है। तो ये थी हमारी डिमांड की थ्योरी, ठीक है। इसी के साथ आपका जो थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी का टॉपिक है जिसमें आपकी क्लासिकल थ्योरी, फ्राइडमैन थ्योरी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी और केन्जियन की थ्योरी, ठीक है, जिसको बोलते हैं, वो तीनों थ्योरीज जो हैं वो कवर हो गई हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।